हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा जो आपको हमेशा काम आएगी, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दें या बोर्ड एग्जाम दें, हर जगह आपको वो काम आएगी। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस तरीके से जो भी इम्पॉर्टेंट वीडियो इस लॉकडाउन के टाइम पर बन रहा वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव। अभी तक हम लोग एक बिंदु के कारण वैद्युत विभव कैलकुलेट करते थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर एक दो के अलावा अगर कई सारे आवेश एक साथ हैं तो उनकी वजह से वैद्युत विभव कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है कई सारे आवेश Q1, Q2, Q3, Q4, ये चार आवेश हम मान लेते हैं कि हमारे पास चार आवेश हैं, आप कितने भी मान सकते हैं। और इनकी दूरी कोई एक पॉइंट मान लेते हैं जिस पर हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट माना है O, ठीक है, यहाँ पर हमें वैद्युत विभव कैलकुलेट करना है। अब ये चार आवेश हैं तो जितने भी आवेश होते हैं उन सभी आवेशों के कारण इस बिंदु पर अलग अलग वैद्युत विभव निकाल लो और उसका बीजगणितीय सम कर दो। बीजगणितीय सम का मतलब, अगर प्लस चार्ज है तो इस बिंदु पर इसका वैद्युत विभव पॉजिटिव होगा, अगर माइनस चार्ज है तो इसका वैद्युत विभव नेगेटिव होगा, और साइन के साथ सबको जोड़ लेना है, जो आएगा वही इस बिंदु पर टोटल वैद्युत विभव होगा। किसके कारण? इन सभी आवेशों के कारण, ठीक है। तो समझ में आया, जैसे यहाँ पे लिया गया था क्या Q1, इसकी डिस्टेंस इस बिंदु से, जिस बिंदु पर मान लेते हैं हमें मूल बिंदु O पर वैद्युत विभव कैलकुलेट करनी है, यहाँ से इसकी दूरी R1 है, इसकी दूरी R2 है, Q3 की दूरी R3 है, इसकी दूरी R4 है, ठीक है। तो वैद्युत विभव V इक्वल टू कितना हो जाएगा, B1 कितना होगा, इसकी वजह से 1/4πε0 Q1/R1, B2 कितना होगा, 1/4πε0 Qt/R2, V3 कितना होगा, 1/4πε0 माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा Q3/R3, V4 कितना होगा, 1/4πε0 Q4 माइनस है, यहाँ भी माइनस आ गया, R4। तो B कितना हो जाएगा, B इक्वल टू, हमने कहा बीज गणतीय सम, यानी B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अब B1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 कॉमन ले लिया गया, सभी में कॉमन है, ठीक है। Q1/R1 प्लस Q2/R2, यहाँ पे क्या है, 1/4πε0 कॉमन लिया गया, बचा क्या, माइनस Q3/R3, माइनस Q3/R3, यहाँ पे माइनस Q4/R4, ये हमारे बचे। तो टोटल वैद्युत विभव यानी इन चारों आवेशों के कारण बिंदु O पर ये आया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चार हों या चार से ज़्यादा हो या अनंत आवेश हों तो ये आप लिख सकते हैं। इसको समराइज करके अगर फार्मूला बनाए तो ये आपका बनेगा 1/4πε0 समेशन आर रनिंग फ्रॉम 1 to n Q r बटे R r बराबर 1 रखोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच ये भी ध्यान रखना है साइन को, ठीक है, साइन का भी ध्यान रखना कि चार्ज हमारे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये टॉपिक होगा, और जो हमने कहा था कि कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जो आपको हर जगह काम आते हैं, वो जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, सम विभव की बात होती है, कहीं कहीं सम विभव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, हालांकि डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इसको डीपली लिया नहीं जाता है, हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन जो है सम विभव का कॉन्सेप्ट भी कभी कभी जो है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो सम विभव क्या है कि जैसे मान लीजिए
विभव शब्द उसमें आ रहा, उससे पहले सम आ रहा, सम का मतलब होता है बराबर, यानी ऐसा पॉइंट किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का ऐसा पॉइंट जहाँ पर वैद्युत विभव हर जगह क्या हो, समान हो, समविभव कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई आवेश ले लेते हैं यहाँ पर, अब इसके चारों ओर वैद्युत विभव कैसे बराबर होगा, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0Q/R। ठीक है, अगर इससे चारों तरफ हमें वैद्युत विभव बराबर चाहिए तो इससे जितनी डिस्टेंस पर हमें वैद्युत विभव यहाँ निकाला है वही डिस्टेंस हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज आपका बदल नहीं रहा, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो वेरिएबल कौन है, केवल आर। अगर आर की वैल्यू हम फिक्स कर दें, यानी ये चीज़ नहीं बदल रहा, इसको कांस्टेंट कर दें, तब क्या हो जाएगा, इसके चारों ओर जो पृष्ठ मिलेगा वो समविभव पृष्ठ होगा। ठीक है, तो यानी इसके चारों ओर ऐसे आर डिस्टेंस पर जो सर्किल बनेगा वो इसका क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ है। और एक बात, समविभव पृष्ठ पर, ठीक है, अब सेंटर से यहाँ ये चार्ज है यानी आवेश रखा हुआ, आवेश से क्या निकलती है, वैद्युत बल रेखाएं निकलती है। अगर यहाँ से हम वैद्युत बल रेखाएं खींचें तो ये इस पृष्ठ पर क्या होगी, लंब होगी, क्योंकि कोई भी त्रिज्या वृत्त पर हमेशा लंब होती है, ये वृत्त बन रहा है, तो समविभव पृष्ठ पर सभी वैद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी वैद्युत बल रेखा हो अगर समविभव पृष्ठ पर खींची गई है तो वो क्या हो जाएगी, समविभव पृष्ठ से लंबवत होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी दो चार्ज हो या दो से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल हो, उनको सॉरी पार्टिकल हम नहीं कह सकते हैं, आवेश कहेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक आवेश हैं अगर, तो उसको लाकर कोई निकाय की अगर हम रचना करते हैं तो सबसे पहले तो उसको अनंत से लाने में कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, वही जो काम हमको टोटल करना पड़ता है वही जो है उस निकाय में वैद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे विभव की परिभाषा बताई गई थी कि अनंत से किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, यानी वहाँ पर आवेश एकांक होना चाहिए। ठीक है, तो ये वैद्युत विभव की परिभाषा थी। ठीक वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि अनंत से कोई भी दो चार्ज को अगर हम ला के एक निकाय की रचना कर रहे हैं तो उसको ला कर निकाय की रचना करने में जो टोटल वर्क करना पड़ रहा वही स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ डेफिनेशन भी मैंने राइट कर दिया कि आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से ला कर निकाय की रचना करने में किया जाता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा कोई चार्ज है यानी आवेश है Q1 Q2 और एक निकाय हमारा AB है जिसको +Q1 और +Q2 कूलाम से मिलकर बना है। ठीक है, इन दोनों आवेशों से ये निकाय बना हुआ। अब मान लेते हैं Q2 की अनुपस्थिति में जब या +Q2 आवेश की अनुपस्थिति में +Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना होगा, बिंदु B पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V=1/4πε0 +Q1 / डिस्टेंस कितनी है R। ठीक है, यह वैद्युत विभव होगा। लेकिन वैद्युत विभव की परिभाषा से इसको Q2 आवेश को यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, वही जो है टोटल हमें स्थिति ऊर्जा होगी। वैद्युत विभव की परिभाषा से Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, W = Q2 ×
वी क्यू टू इंटू बी, कहाँ से? वैद्युत विभव की परिभाषा से। वी की वैल्यू रख दो तो 1/4πε0 प्लस Q1/R, ये किसकी वैल्यू हो गई? V की, और इनटू में है Q2। तो टोटल कार्य निकला है W, कितना निकला? 1/4πε0 प्लस Q1/Q2/R, ये कार्य निकला। अब यही कार्य क्या हो जाएगा? उस निकाय में स्थिर वैद्युत ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, और स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम U से डिनोट करते हैं। तो U इक्वल टू 1/4πε0 Q1/Q2/R, ये फार्मूला, ठीक है। अब ये तो हुआ दो आवेशों के कारण। अगर इसमें कई सारे आवेश हों, इसमें अगर क्या हो कई सारे आवेश हों, तो उसकी स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे मान लीजिए हम कई सारे आवेश मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि तीन आवेश है हमारे पास, तीन चार जो भी हो। यहाँ पे प्लस Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे माइनस Q2 मान लेते हैं, यहाँ माइनस Q3 मान लेते हैं। इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? R1 मान लेते हैं, R12। इसकी R13, इसकी यहाँ से R23, ठीक है। अब इस बिंदु की, इस बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाल लो, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो, सबको उठा के जोड़ लो, ठीक है। तो इन दोनों को Q1 Q2 की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U12 1/4πε0, एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस Q1 Q2/R12। U23 कितनी हो जाएगी? 1/4πε0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q2 Q3 Q2 Q3/R23। इसका निकाल लो, U13 1/4πε0 Q1 Q3 प्लस माइनस माइनस R13। टोटल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू U12 U23 U13, ये टोटल स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक। तो U इक्वल टू कितना होगा? सबकी वैल्यू रख दो, -1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23 माइनस, क्योंकि ये माइनस है, 1/4πε0 Q1 Q3/R13। तो ये टोटल स्थितिज ऊर्जा हो गई, कहाँ पर? कई आवेशों के कारण। तो इस प्रकार से जितने आवेश होंगे उनकी अलग अलग स्थिति ऊर्जा आप निकालिए और सबको उठा के जोड़ दीजिए साइन के साथ, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, टोटल स्थिति ऊर्जा आपकी निकल आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है विभवपरवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध स्थापित करना, उससे पहले क्या है कि विभवपरवणता के बारे में जान लो, तो सबसे ज़्यादा आसानी होगी इन दोनों में रिलेशन बताने में, ठीक है। तो विभवपरवणता क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस जिस डायरेक्शन पर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा हर एक डायरेक्शन में होती है, चारों तरफ होती हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में वैद्युत विभव अगर हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कोई एक पॉइंट होगा वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव निकालना है, तो उसी डायरेक्शन में यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में जो परिवर्तन आएगा, यानी जो उसमें चेंजेज आएगी विभव परिवर्तन की दर को विभव परवर्ता कहते हैं।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई एक बिंदु आवेश क्यू है, इसकी पोजीशन मान लेते हैं ओ है, बिंदु ओ पर कोई विभव रखा हुआ। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कोई दो पॉइंट ए और बी है, यहाँ पर जहाँ बिंदु ए पर इसका विभव वी है और बिंदु बी पर इसका विभव बी माइनस डेल्टा बी है। क्यों? क्योंकि दूरी जैसे जैसे बढ़ती है विभव का मान घटता है, तो ये डिस्टेंस हमने मान लिया डेल्टा एक्स, तो यानी यहाँ से यहाँ तक का जो विभव होगा वो अगर डेल्टा बी मान लें तो यहाँ पर जो विभव होगा वो बी माइनस डेल्टा बी होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कोई परीक्षण धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये माना गया है कोई परीक्षण धन आवेश क्यू जीरो है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु बी से ए तक अगर ले जाया जाता है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की वजह से उस पर एक बल कार्य करता है, और वो बल कितना कार्य करता है, एफ बराबर ये संबंध निकालना है अब। ठीक है, एफ बराबर कितना कार्य करेगा, क्यू ई, क्यू जीरो क्योंकि चार्ज तो क्यू जीरो है, ई इंटू वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब आवेश क्यू जीरो को बिंदु यहां पे था तो यहां पर ये इतना फोर्स कार्य किया, अब क्यू जीरो को बिंदु बी से ए तक लाने में वाह कार्य यानी बल के विरुद्ध हमको वाह कार्य करना पड़ेगा, तो वाह कार्य कितना करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहे हैं, डेल्टा एक्स, तो वाह कार्य कितना करना पड़ा, डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इतना हमको वाह कार्य करना पड़ा। अब तो डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा, एफ की वैल्यू रखो क्यू जीरो ई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, इसको बना लो इक्वेशन नंबर वन, और क्यू जीरो को क्या करो, इस साइड उठा के ले आओ, तो डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू जीरो ये माइनस है इजकल टू ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब विभवांतर की परिभाषा से ये कितना हो जाएगा, इसको बना लो इक्वेशन नंबर दो, विभवांतर की परिभाषा से विभवांतर की परिभाषा वैद्युत विभव पढ़ाने के जस्ट बाद मैंने विभवांतर बताया था, विभव में अंतर यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो विभव का अंतर होता है वही विभवांतर होता है। परिभाषा से क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू जीरो इक्वल टू बी माइनस डेल्टा बी, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा बी, ये वैल्यू उठा के रख दो वहाँ इक्वेशन नंबर टू में, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा बी इजकल टू ई इंटू माइनस डेल्टा एक्स, या ये इम्प्लाइज करेगा इजकल टू माइनस डेल्टा बी क्योंकि माइनस इधर कर दिया गया बाय डेल्टा एक्स, यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसमें संबंध है, विभव ये विभव परिवर्तता है, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव परिवर्तता जो है ये क्या होते हैं, डायरेक्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसको ऐसे कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर उसी दिशा में ऋणात्मक विभव के मान के बराबर होती। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पॉइंट पर वैद्युत विभव परिवर्तता जितना होगा, इस बिंदु पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो इस बिंदु पर क्या निकाल लेना, विभव परिवर्तता, और उस विभव परिवर्तता के ऋणात्मक साइन के बराबर होता है कौन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक भी देख लीजिए, वी का मात्रक वोल्ट,
डेल्टा एक्स डिस्टेंस है, इसका मात्रक मीटर, बोल्ट पर मीटर होता है, ठीक है। और अगर इसकी बीमा की बात करें तो वी की बीमा यानी विभव की बीमा क्या थी, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए इनवर्स, ये इसकी थी बीमा, किसकी, वैद्युत विभव की। और मीटर इसकी बीमा होती एल, एल ऊपर जाएगा, यहाँ पे दो एल है, नीचे एक एल है, एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो बीमा निकल के आएगी वो आपकी आएगी एम एल टी की पावर -3 ए इनवर्स, ये है किसकी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा, या कह सकते हैं विभव परवर्ता की भी बीमा यही है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी बीमा यही है, ठीक है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाने में किया गया कार्य, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको आज नहीं बता रहे हैं, कल के वीडियो में बताएंगे, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो कल का जो टॉपिक है वो फिर से सुन लीजिए, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसको बताने के बाद सीधे हम पहुँचेंगे संधारित्र पर, ठीक है। तो वैद्युत विभव वाला जो सारा परिभाषा या फार्मूला था वो कल वही एक बताने के बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपका संधारित्र स्टार्ट हो जाएगा। तब तक आप इन सारे वीडियो को अच्छे से देखिए और तैयार कीजिए, कोई भी डाउट रहे तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।